आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई है परेशान। अच्छी सेहत के लिए नहीं मिल रहा है कोई निदान। नेशन वन पर डॉक्टर्स करेंगे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ नेशन वन पर। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं नेशन हेल्थ प्लस। आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, मैक्स हॉस्पिटल से हैं और एमडी मेडिसिन है और डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आमतौर से ज़्यादातर लोगों को बहुत सी डिग्रियाँ, बहुत सी स्पेशलिटी का ये पता नहीं होता कि ये डॉक्टर किस चीज़ के हैं, क्या हैं। आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, पढ़े लिखा आदमी इस चीज़ को जानता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजी क्या होती है, आम आदमी नहीं जानता, थोड़ा सा समझा दीजिएगा। नेफ्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो किडनीज़ को डील करते हैं बेसिकली। ये एक सुपर स्पेशलाइजेशन है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। पहले एमबीबीएस होती है, उसके बाद एमडी होती है जनरल मेडिसिन, और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन जैसे कि नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजिस्ट जनरली किडनीज़ को डील करते हैं जिनके किडनी फेलियर होता है, जैसे कि डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह। हम ज़्यादातर कन्फ्यूजन यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में होते हैं। जो सर्जिकल ब्रांच है वो यूरोलॉजी है और जो मेडिकल ब्रांच है वो नेफ्रोलॉजी। अच्छा, ज़्यादातर जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं यहाँ पर किडनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है जी। कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ अक्सर डेवलप होती हैं या किडनी से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ जिनका ट्रीटमेंट आप देते हैं यहाँ? जनरली ऑन एन एवरेज भारत में 10% पॉपुलेशन किडनी रोग से ग्रसित है। उसमें जो मोस्ट कॉमन कारण है वो डायबिटीज़ है, फॉलोड उसके बाद ब्लड प्रेशर, और उसके बाद कई कारण हैं। जो इस प्रदेश में ज़्यादा है वो स्टोन्स, जो किडनी स्टोन्स की वजह से जो किडनी ख़राब हो रही हैं यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम की में स्टोन्स की वजह से। और इसका रीज़न क्लियर नहीं है, बट ये नॉर्थ इंडिया के स्टोन बेल्ट में आता है, ये हो सकता है यहाँ के पानी में, बट ये अभी मेडिकली प्रूवन नहीं है। बट इस रीजन में स्टोन्स की वजह से किडनी खराब होने की प्रतिशत ज़्यादा है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं ज़्यादातर जो किडनी से रिलेटेड होती हैं और बहुत से आम लोगों को पता नहीं लगता, टेस्ट के बाद पता लगता है? जैसे कि अगर हम डायबिटिक्स को ही लें, डायबिटिक्स में अगर पैरों में सूजन वगैरह आ रही है, भूख कम लग रही है, पेशाब में झाग ज़्यादा आ रही है, रात को बारी बारी उठना पड़ रहा है, तो ये एक सटल साइन होता है कि आपकी किडनीज इन्वॉल्व हो रही है। डायबिटिक्स में 30-40% में किडनीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। इवन इसको अगर अच्छा कंट्रोल करेंगे और शुरू में ही अगर आप ध्यान रखेंगे या शुरू में ये बीमारी मालूम चल जाती है तो ये रिवर्सिबल होता है। ज़्यादातर आम लोगों में ये शिकायत रहती है कि यूरिन को पिलाना या रुक के आना या कम आना या फिर जो है ना एल्बुमिन की जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा आना, तो ये किस कौन से रोग की तरफ जो है ना ज़्यादा इंडिकेट करता है? कई बार तो भ्रम होता है, जैसे कि इसमें टोटल 24 आवर्स का होना चाहिए कि कितना यूरिन हो रहा है। एज अगर ज़्यादा होती है तो प्रोस्टेट वगैरह की वजह से हो सकता है, बट हाँ अगर एल्ब्यूमिन वगैरह आ रहा है और सिग्निफिकेंट अमाउंट में, अच्छी मात्रा में आ रहा है, तो ये यही दर्शाता है कि ये किडनी से लीक हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना। डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो किडनी का क्या फंक्शन रहता है मेन? किडनीज कहा जाता है मेडिकल साइंस में, किडनीज पूरे शरीर के सबसे इंटेलिजेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये लगभग पूरी बॉडी को रेगुलेट करती है। इसका मेन काम होता है कि ये फिल्टर करते हैं सब गंदगी को और यूरिन बनाती है जिससे ये सारी चीज़ें निकले। अगर किसी की किडनीज में दोष है तो इसके अलावा भी बोन्स पे फ़र्क पड़ेगा, हीमोग्लोबिन बहुत कम रहेगा, पेशेंट अनीमिक रहेगा। हम सोचते हैं खाने पीने की कमी से हो रहा है, खाने पीने के कमी, बट हो सकता है अंदर बोन्स के किडनीज की वजह से हो रहा हो। और कई बार ये है कि अगर किडनी किसी की ख़राब है या किसी कुछ मात्रा में ही ख़राब है, पूरी नहीं, तो ये ऑलमोस्ट शरीर के हर अंग पे दुष्प्रभाव डालती है, इंक्लूडिंग हार्ट एंड ऑल। अच्छा, ज़्यादातर आमतौर से देखा गया है यूरिन की बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं जो आम आदमी बाद में जब ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ जाती है
तब उस तरफ भागता है। प्राइमरी स्टेज में जब हमें ये या मेडिकल साइंस के रूप से हम अगर हम देखें कि किस स्टेज में हमें क्या करना चाहिए और क्या लक्षण होते हैं कि किडनी कुछ जो है ना बीमारी से प्रभावित हो रही है। इस प्रदेश पर्टिकुलरली इस यहाँ के रहने वालों को जहाँ जो स्टोन बेल्ट में आती है वहाँ पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, आपको कम से कम 2-2.5 लीटर का सेवन करना चाहिए पर डे। उसमें इंडिकेशन यही होंगे कि अगर आपको लग रहा है कि रात में यूरिन आपका पूरा हो नहीं रहा, यूरिन करने के बाद आपको लग रहा है अभी आपको दोबारा जाना पड़ेगा या फ्रीक्वेंटली आपको उठना पड़ रहा है, एक तो होता है कि रात को आप जाग ही रहे हैं किसी वजह से फिर यूरिन करने जा रहे हैं, डेट इज़ वो एक अलग चीज़ है, एक नॉर्मल एक सीक्वेंस हो गई। हाँ, अगर आपकी नींद टूट रही है कि आपको यूरिन करने की इच्छा हो रही है इस वजह से नींद टूट रही है और वो बारी बारी टूट रही है तो ये एक सटल इंडिकेशन अगेन कि आपके यूरिन किडनी या यूरिन के रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसको समय रहते डॉक्टर्स को दिखा देते हैं तो ये रिवर्सिबल होता है, और अगर एक स्टेज के बाद अगर ये पता लगता है तो फिर इसमें जो दवाइयाँ चलती हैं वो इसको केवल धीमा करती है, ऐसा नहीं कि ये यहीं रोकी जाता है। और उसमें 10-20% ऐसे लोग होते हैं जिनको आगे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, किडनी ट्रांसप्लांट। आमतौर से एक आम आदमी को क्या किसी पर्टिकुलर एज के हिसाब से पानी का सेवन करना चाहिए या सबके लिए एक ही मानक होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक तो एज वाइज कुछ वेरी नहीं करता है, प्लस ये डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑल्सो कि मौसम कैसा है ये। तो इसमें ऑन एन एवरेज इसमें 1-1.5 लीटर तो आपको पीना ही चाहिए, बट हाँ इसका कोई वेट से एज से कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं होता। अच्छा, मौसम के हिसाब से जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और प्यास लगने के बाद जितना वो पानी पीता है क्योंकि वो पसीना भी उसको आता है इतना यूरिन नहीं हो पाता, तो क्या मौसम के हिसाब से पानी की अलग अलग कुछ मात्रा निर्धारित होती है मेडिकल साइंस में? निर्धारित नहीं होती है, वो इसके लिए होता है कि जैसे ये मोटा मोटा इसका जो अमाउंट है वो 400-500, अगर क्लाइमेट बहुत गर्म है 400-500 आपके इनसेंसिबल लॉस होते हैं। इनसेंसिबल मींस कि यूरिन वाला नहीं, इसके अलावा जैसे सांस लेने में पसीना आने में जो आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर किसी को आपको पीना है तो जितना यूरिन हो रहा है और उसमें आप 500-600 ml ऐड कर लें। अच्छा, किडनी इफेक्ट हो रही है या किडनी बीमार है तो ज़ाहिरी सिम्टम्स क्या क्या आते हैं बॉडी में? उसमें ये आता है कि पेशेंट को भूख लगना कम हो जाती है, भूख बहुत कम लगती है, शरीर में खुजली आने लगती है, इचिंग हिचकियाँ बहुत आती हैं, पैर सूजने लगते हैं, यूरिन की मात्रा में कमी आने लगती है, चेहरा सफ़ेद सा दिखने लगता है, एक सटल सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है जो कि मोस्टली भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोग खुल के नहीं आते हैं सामने इसमें, बट एक ये भी एक सटल सिम्टम होता है कि हो सकता है किडनीज इन्वॉल्व हो रही हैं। अच्छा, ये अब कौन सी स्टेज ऐसी आती है जिस पर जो है ना आप डायलिसिस के लिए रेफर करते हैं? इसमें ये होता है, इसमें पूरी एक क्लिनिकल पिक्चर देखी जाती है, एग्जैक्टली एसच कोई वैल्यू नहीं होती है। इसमें क्रिएटिनिन एक करवाया जाता है, उससे EGFR कैलकुलेट करते हैं जो डिपेंड करता है आपकी एज पे, वेट पे, सेक्स पे, मेल है या फीमेल है, तो उस पे डिसाइड करता है। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो रही है, जनरली ये EGFR जब 15 से नीचे आ जाता है तब ये होता है कि आपको कभी भी डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की। अच्छा, ये कम्प्लीट ट्रीटमेंट डायलिसिस है या ट्रांसप्लांट है? इसमें क्योंकि ज़्यादातर जो है ना डायलिसिस के जो है ना पेशेंट हमने भी देखे हैं, हमने सुना भी है कि हाँ ज़्यादा डायलिसिस हो गया, इसको साइड इफेक्ट भी हो गए या फिर जो है ना भगवान को प्यारा हो गया, तो कहाँ तक कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पर डॉक्टर जो है ना एक भगवान साबित होते हैं? इस समय जब किडनी रोगी एक ऐसी स्टेज पर आ जाता है जब दवाइयाँ नहीं काम करती हैं, तब पेशेंट को बताया जाता है कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस वर्ल्ड वाइड सेम है, ऐसा नहीं कि भारत में कोई फैसिलिटी नहीं या देहरादून में कोई फैसिलिटी नहीं है। इसमें बेस्ट ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट अगर हो जाता है तो हम नेचुरल के काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसका सक्सेस रेट 95% से ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड, जो मैक्स का जो डेटा है मैक्स ग्रुप का वो 98.6% है सक्सेस रेट। इसमें ऑन एन एवरेज 10-15 साल किडनी के निकल जाते हैं, इंसान के नहीं, दोबारा हो सकती है, दोबारा ट्रांसप्लांट हो सकता है, और जो डिसीज डोनर जो हम ब्रेन डेड पेशेंट्स की निकाल के लगाते हैं उसमें 10-15 साल और लिविंग में 15-20 साल निकल जाते हैं।
जो सेकंड ऑप्शन, बट इसका जो पेनिट्रेशन है सोसाइटी में वो बहुत कम है. लेस देन 1% ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं. मतलब भारत में इस समय केवल 7,000 से 10,000 ट्रांसप्लांट हो रहे हैं. अच्छा, ऐसा क्यों? ये कोई साइकोलॉजिकल फोबिया होता है या लोग? इसका रीज़न ये है कि लोग देने को तैयार नहीं है. डेटा ये है कि हर साल 2 से 2.5 लाख नए लोग, पुरानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2 से 2.5 लाख नए किडनी रोगी होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की ज़रूरत होती है. इसमें से केवल 30 से 40 हज़ार लोग किसी भी फॉर्म का RRT करवा पाते हैं, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, और केवल 7 से 10 हज़ार लोग ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं. इसका रीज़न मेजर ये है कि इग्नोरेंस. फैमिली, परिवार वालों को, लोगों को लगता है कि अगर हमने किडनी दे दी तो हम खुद बीमार हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है. किडनी, बहुत से लोग जन्म से ही एक ही किडनी से पैदा होते हैं. अगर किसी की, ऐसा नहीं कि दोनों किडनी, एक ही किडनी निकालते हैं और एक ही किडनी लगती है उसमें, और जो देने वाला होता है उसको 3rd से 5th दिन छुट्टी हो जाती है. कोई प्रिकॉशंस नहीं लेने होते, कोई दवाइयाँ नहीं खानी होती, एक नॉर्मल लाइफ जीती है. बट ये भ्रांतियाँ हैं कि किडनी देने से. कई लोग ऐसा भी कहते हैं, हमने इस जन्म में किडनी दे दी तो अगले जन्म में किडनी नहीं होगी हमारे. मतलब दिस एक मीडिया, आप इस चीज़ को बहुत पेनिट्रेट कर सकते हैं, सोसाइटी को सिखाएं, क्योंकि आप एक जीवन देते हैं और कम से कम एक ब्रेन डेड, या अगर हम अपनी डोनेट करना चाहें, हम एक फॉर्म अगर भर दें तो हम कम से कम 8 जिंदगियां बचा सकते हैं. अच्छा, ऐसा कोई केस भी आया होगा आपके सामने जब से आप यहाँ मैक्स में सेवाएँ दे रहे हैं, या इससे पहले भी कहीं भी सेवाएँ दी हैं, कि ज़्यादातर ओल्ड एज में बहुत से लोग जो है ना ट्रांसप्लांट से कतराते हैं. वजह उसकी, उनकी ये नहीं होती कि उनको जो है ना फोबिया है, वजह ये होती है कि भाई पैसा ख़राब हो जाएगा, मरना तो इसको है ही. ऐसा भी कुछ आया है ओल्ड एज में? आप सही कह रहे हैं, बट ओल्ड एज में ऐसा होता है कि हमारा, पहली बात तो कोई उम्र नहीं जब ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, किसी भी उम्र में करवाया जा सकता है. पैसे से ज़्यादा इंडियन परिप्रेक्ष्य में, इंडियन पर्सपेक्टिव ये कहता है कि अगर उनके बच्चे देने को तैयार होते हैं, बेटी बेटा सब, बट भारतीय लोग अपने बच्चों से नहीं लेते, बोले कि हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा. तो हालांकि उनको समझाने के बाद भी वाइफ दे देती है, हस्बैंड रेयरली देता है, वाइफ ज़्यादातर देती है या माँ देती है, बट बच्चों से नहीं लेते हैं, जो कि सबसे अच्छा ऑप्शन होता है. नहीं, बच्चों को तो डॉक्टर साहब आज के टाइम पे जो है ना, हकीकत सच्चाई से है कि उनको तो पैसा चाहिए. ये सब चीज़ें सब लोग जो है ना इग्नोर करते हैं, सोशल वैल्यूज ही खत्म होती जा रही है. आपके सामने भी ये तब मामले आए होंगे. आज भी ऐसा नहीं, अगर हम US या वेस्टर्न पॉपुलेशन से, नहीं मैं अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो आज भी भारतीय लोग, भारतीय बच्चे बीमार माँ बाप को ठीक करने के लिए आगे आते हैं, बट यहाँ उल्टा है, माँ बाप लेने को तैयार नहीं होते. अच्छा, ये जिस वक्त ट्रांसप्लांट हो जाता है तो बॉडी की कुछ रेजिस्टेंस पावर में फर्क पड़ता है या एज इट इज रहती है? ये अच्छा प्रश्न किया आपने. इसमें किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांसप्लांट हो गया अब सब खत्म, मतलब हमें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे. ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको जीवन भर दवाइयाँ खानी होती हैं. अच्छा. 8 से 10 हज़ार रुपए की आप मान के चलिए पर मंथ मेडिसिन लेनी होती है. ये एक तराजू की तरह होता है, ये किडनी आपकी नहीं होती, हमेशा आपकी बॉडी इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी. और इसके बाद भी बहुत प्रिकॉशंस होते हैं. पहले 3 महीने तो आप मान के चलिए हर हफ्ते आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद भी हर महीने कम से कम 1 साल तक, और फिर उसके बाद 2 से 3 महीने में आपके कुछ कुछ टेस्ट होंगे. इसमें जो दवाइयाँ चलती हैं वो भी 2-धारी तलवार की तरह होती हैं. वो देनी भी ज़रूरी होती हैं, बट उससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है. इसमें आपको इन्फेक्शंस वगैरह कॉन्ट्रैक्ट करने के चांसेस होते हैं, कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं, बट ये रिस्क काफ़ी कम होता है, बट होता है. तो वो सारे प्रिकॉशंस आपको बताए जाते हैं. जनरली ये जो प्रपोर्शन है वो लेस देन 0.5% होता है, बट होता है. मेजर रिस्क जो होते हैं इन्फेक्शंस के होते हैं. डॉक्टर साहब, UTI पर हम बात कर रहे हैं, मैं ज़्यादातर कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है के पर्टिकुलर एज या 40 या 45 के आसपास जो है ना, बहुत से कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि जिनको यूरिन नहीं रुक पाता, इवन यहाँ तक वो यूरिन ब्लेडर यूज़ करते हैं. उनके लिए क्या सलाह है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पहली बात तो, इज़ अ डिजीज ऑफ फीमेल्स, ये लेडीज़ में ज़्यादा होता है, राइट, मेल्स में नहीं, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क. अगर मेल में किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके
हमेशा उसका कारण देखना पड़ेगा. इसका मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो फीमेल टू मेल आ रहा होता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स. फीमेल टू मेल है तो आपको दोनों को ट्रीट करना है. ठीक है. मेल्स में अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें अगर आपने ये रूल आउट कर दिया कि फीमेल से नहीं आ रहा है तो अंदर कोई ना कोई रीजन होता है. मोस्टली उसमें अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि डायबिटीज है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, कोई अंदर स्टोन पड़ा हुआ है, तो जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है वो भी जैसे प्रोस्टेट के कई बार ऑपरेशंस की वजह से, लेडीज में जब हिस्टेरेक्टमी वगैरह होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है, तो वो उस एरिया के जो मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं. तो उसमें फिर वही है, एज अर्ली एज पॉसिबल आपको इसमें यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होता है. और इनकॉन्टिनेंस का समय से अगर ट्रीटमेंट हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में फिजियोथेरेपीज वगैरह ही होती है. यानी कि ये इलाज है, ला इलाज नहीं? नहीं नहीं, ला इलाज नहीं है, हो जाता है. अच्छा, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप कुछ चीज़ें ऐसी भी बताइए कि ये जो इन्फेक्शन होता है किडनी का, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में उस बात को जो है ना, दर्शक खुद भी चाह रहे होंगे कि ये बात सामने आए कि ये सेक्सुअल से रिलेटेड कोई डिजीज़ तो नहीं पैदा करती जो है ना? नहीं, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, ये सेक्सुअल डिजीज़ को प्रीडिस्पोज नहीं करती है. ये हाँ, फीमेल टू मेल थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स ये आ सकती है, अदरवाइज ये कोई प्रीडिस्पोज नहीं करती है. बट इसमें जो मेजर प्रिकॉशंस लेने होते हैं ये कि एक तो बारी बारी यूरिन करने जाएं, ठीक है, रोक के ना रखें. पब्लिक टॉयलेट्स अगर किसी को बारी बारी होता है, साफ सफाई रखें काफी, अंडरगारमेंट्स चेंज करें, और जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पर बहुत सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक रीज़न होता है. कॉन्स्टिपेशन, कब्ज नहीं रहनी चाहिए जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है. अच्छा, एक पानी की मात्रा को, एक सलाह हमारे दर्शकों को और आप दीजिएगा, ज़्यादातर सार्वजनिक जितने भी टॉयलेट्स होते हैं उनके अंदर जाना कितना उचित है, क्योंकि साफ सुथरे तो नहीं रहते हिंदुस्तान के अंदर, भले ही मेरे शहर की अगर बात हो, तो कितना उचित है और कितना अनुचित है? क्या बीमारियां वो लेके आता है या डिस्पोज करके आता है? ओपन में करने से तो अच्छा ही है, इसका इलाज तो यही है कि इसको साफ रखा जाए. आपका अपना नहीं, डॉक्टर साहब जो है ना, अक्सर ऐसा देखा गया है, अगर मैं गाँव की भी बात करूँ, गाँव के भी दर्शक जो है ना मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो ओपन में जाना बेटर समझते हैं क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है. लेकिन जितने भी टॉयलेट्स जो है ना, सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं, वहाँ तो इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन है, वहाँ पर जाना कितना दुरुस्त है? नहीं, ऐसा लग रहा होगा, ऐसा है नहीं, वहाँ पर भी रिस्क है, बट ओपन में और भी ज़्यादा रिस्क होते हैं. जैसे कि आप वो पूरी कम्युनिटी में आप स्प्रेड कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर यूरिनेट कर रहे हैं या डिफिकेट कर रहे हैं तो वो वहाँ के वाटर टेबल पे जाएगा, वो धीरे धीरे, आप भी तो उसी एरिया में रह रहे हैं. बिल्कुल. तो ये अगर हम ओपन और सार्वजनिक टॉयलेट से कंपेयर करें तो सार्वजनिक टॉयलेट इज ऑलवेज बेटर देन ओपन डिफिकेशन और यूरिनेशन. हाँ, ये जरूर है कि इसको आपको साफ सफाई, स्वच्छ भारत जो है इसको शुड फॉलो. डॉक्टर साहब, अभी आपने जब से आप मैक्स में सेवाएं दे रहे हैं, आपका अनुभव क्या है? कितने ऐसे पेशेंट आपके पास आए हैं जिनको आपने बिल्कुल ठीक ठाक करके भेज दिया है? क्योंकि लोग भी देख रहे हैं आपको. डेटा बताना तो मुश्किल होगा, फिर भी जनरली जो है ना, क्रॉनिक डिजीज है, इसमें ट्रांसप्लांट अगर करें तो सबसे अच्छा रहता है. किडनी जो डायलिसिस है, यहाँ पर कम से कम 1200 से 1300 डायलिसिस पर मंथ मैक्स में होते हैं, बट वो भी कम है. कम इन द सेंस कि हम जितनी भी मशीन्स बढ़ाते जा रहे हैं वो सब फुल होते जा रहे हैं. नंबर ऑफ पेशेंट्स ना केवल उत्तराखंड में, पूरे भारत में किडनी के काफी हैं. तो अच्छा, जाते जाते कुछ टिप्स और दे दीजिएगा जिससे बीमारियों से लोग बचे रहें. टिप्स यही है कि अपना ध्यान रखें, और छोटे छोटे जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको भूख नहीं लग रही या आपको बहुत थकान लग रही है, आप मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, उस पे नहीं जाएं. हमेशा कॉज को देखें कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है. अगर ये शुरुआत में पकड़ में आ जाती है तो किडनी डिजीज़ रिवर्स, और किडनी डिजीज़ को इतना हवा नहीं बनाएं. अगर समय पे डायलिसिस भी चलता है, जैसे कहते हैं डायलिसिस एक बहुत बड़ा वो है, जैसे पता नहीं, अगर डायलिसिस हम नहीं करते हैं तो पेशेंट जीवित नहीं रहेगा, और अगर हम समय पे डायलिसिस करते हैं तो आराम से 8-10 साल तो आराम से निकल जाते हैं. अच्छा, अभी तक की सेवाओं में कोई ऐसा अनुभव जो आपको याद हो? अक्सर कुछ सेंसिटिव होते हैं. एक यंग लड़का था, ब्रेन डेड हो गया था एक्सीडेंट में, तो द पेरेंट्स डिसाइडेड कि हम उनकी किडनीज डोनेट करने के लिए तैयार हैं. तो ब्रेन डेड थे, तो हमने पेशेंट्स को भी बुला लिया था जब, तो एवरीथिंग वाज रेडी. सब हम जब ओटी में जाने लगे, जब सब कुछ तैयार था, एवरीथिंग
हमने दो डोनर भी सेलेक्ट कर लिए थे, उनका वर्कअप हो गया था, ओटी में थे, तो उसकी दादी भागी भागी आई और ये बोला कि नहीं हम नहीं दे सकते क्योंकि इसकी तुमने निकाल ली अभी तो ये अगले जन्म में इसके किडनीज नहीं होंगी। एंड और अल्टीमेटली जो दोनों वो जो रिसिपियंट थे अगले 3 महीने के अंदर दोनों मर गए और इसका भी कुछ नहीं हुआ एंड वी कुड नॉट ट्रांसप्लांट क्योंकि अगर फैमिली ने मना कर दिया तो बिल्कुल जो एक ऐसा अनुभव जो आपको हमेशा याद रहेगा तो ये अगर वो थोड़ा कोऑपरेट कर देते तो शायद अगर ये अवेयरनेस फैलाए कि डोनेशन से कुछ नहीं होता किसी भी मरीज को ठीक करने के लिए किसी को बीमार थोड़ी नहीं हमारी आवाज से ज्यादा आप लोग आपको लोगों की आवाज ज्यादा बात ज्यादा जो है ना पसंद आएगी। आप अपनी जबान से कहिएगा कि ये सब कुछ डाउटफुल है इसको जो है ना अगर सपोर्ट करें सभी बिल्कुल ये लॉ इंडियंस ने नहीं बनाया दिस लॉ इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी मरीज को ठीक करने के लिए किसी को बीमार थोड़ी किया जाएगा। डोनर को ऐसे थोड़ी कि आपने किडनी दे दी तो आप और आप देना चाहते हैं तो हम ले ही लेंगे। उसमें 3 स्टेप्स में टेस्ट होते हैं जब लगता है कि बिल्कुल फिट है इनको कुछ नहीं होगा तभी ली जाती है। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये थे डॉक्टर पुनीत अरोड़ा मैक्स हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और जिनसे हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान वाकई ये बात कुछ सामने आई है कि भगवान का रूप डॉक्टर को माना जाता है समाज में। ये सब चीज़ें भी एक ज़रूरी इसलिए भी हैं कि डॉक्टर जो अपनी ज़बान से अपने अनुभव के तौर से जनता के साथ कुछ बातों को कुछ टिप्स को शेयर करते हैं उनके ऊपर अगर अमल किया जाए तो शायद बहुत कुछ बीमारियां कम हो सकती हैं और उनका समाधान भी हो सकता है। नेशन वैन हेल्थ प्लस में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई है परेशान, अच्छी सेहत के लिए नहीं मिल रहा है कोई निदान। नेशन वन पर डॉक्टर्स करेंगे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ नेशन वन पर।